Hello, good morning everyone. I hope you all are good. Thank you so much for subscribing my channel. Thank you for all your love and blessings. Thank you for your support. Thank you so much. Self love webinar एकदम मस्त गया कल. सबके reviews बहुत 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 amazing आए. I am so happy. Okay, so आज का जो topic है वो है whether you are doing this or not. अब ये सस्पेंस है, ये सीक्रेट है और ये बहुत बड़ा सीक्रेट है. अगर आपके एफर्मेशंस काम नहीं कर रहे, अगर आपके थॉट्स काम नहीं कर रहे, आप पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपके थॉट्स आपके फेवर में काम नहीं कर रहे, सो ट्राई दिस, दिस विल वर्क डेफिनेटली. और उसके साथ साथ मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी एक बहुत ही महान शख्स का बहुत ही महान शख्स का मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगी आपको. आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, ये करना इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, अगर आपको लाइफ को अच्छी मैनिफेस्ट करना है तो. सो बिफोर दैट, जैसा हमारा रिचुअल है, लेट्स डू दिस टुगेदर. थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटिफुल डे. थैंक यू माई डियर सन. थैंक यू सो मच दैट आई एम अलाइव. थैंक यू कि तुम्हारी सन रेज मुझ पर पड़ रही है. थैंक यू फॉर दिस अबंडेंस ऑफ अनकंडीशनल लव दैट आई एम रिसीविंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. थैंक यू फॉर दिस अबंडेंस ऑफ वेल्थ दैट आई एम रिसीविंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. थैंक यू ऑलवेज. थैंक यू, 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 थैंक यू. ओके, सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये ब्यूटिफुल सा टॉपिक और मुझे लगा इसके बारे में बात करना चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, हम एफर्मेशन कर रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं आई एम रिच, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम दिस, आई एम दैट, है ना. आई एम के बाद जो भी आप लगाओ वो आप बन जाते हो, ये कहा जाता है, राइट. आप ये दिमाग में सोच रहे हो, आप बातों से कर रहे हो, लेकिन क्या आपकी बॉडी भी उसके साथ अलाइंड है? थिंक अबाउट इट. मान लो अगर आप अपने आप को रिच फील कर रहे हो, है ना, अगर आप अपने आप कह रहे हो आई एम रिच, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन क्या आपकी बॉडी वो फीलिंग ला रही है, वो अबंडेंस ऑफ फीलिंग ला रही है? क्या ऐसी चीज़ है जो आप लैक कर रहे हो? इज़ योर बॉडी पोस्चर, इज़ योर बॉडी लैंग्वेज, है ना. मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. आप घर पे आते हो, आप अपनी माँ की शक्ल देखते हो और आपको पता होता है आज मम्मी गाली देने वाली है कुछ तो गलत किया है. या आप अपने घर पे रह रहे हो और आपके हस्बैंड आ रहे हैं घर पे और आपको समझ में आता है आज ऑफिस में इनके साथ कुछ हुआ है. होता है ना, ऐसा नहीं है कि आप कोई मतलब सैटेलाइट लगा के बैठे हो या फिर आप कैमरे वैमरे लगा के बैठे हो बिग बॉस के घर में है कि टेलीकास्ट हो रहा है और आपको पता चल रहा है. नहीं, आप इंसान की बॉडी लैंग्वेज देखते हो, आप इंसान की पूरा शरीर देखकर उसको जज करते हो. अच्छा, ये इंसान आज परेशान है, ये इंसान आज बहुत खुश है, है ना, ये आप करते हो, राइट. द सेम थिंग यू हैव टू डू विथ योर सेल्फ. मान लो अगर आप जो डिस्पेंसर हमेशा कहते हैं कि आपका माइंड जो है वो थॉट्स क्रिएट करता है और आपकी बॉडी जो है वो इमोशंस रिलीज करती है, वो रिएक्शन है आपकी बॉडी का आपके माइंड के थॉट्स को लेकर, तो वही इमोशंस होते हैं. आप इमोशंस यहाँ फील करते हो जब आप खुश रहते हो ना, आप एक अलग सी लहर दौड़ती है, आपको एक अलग सा वाइब्रेशन फील होगा. आप जब मेडिटेशन में बैठते हो, जो जॉय, जो ब्लिसफुलनेस होती है वो आपके माइंड में नहीं फील होती है, आपके बॉडी में फील होती है, आपको एक अलग सा वाइब्रेशन फील होता है, राइट. सो योर इमोशंस आर इन योर बॉडी, राइट. लेकिन आप बोल रहे हो आई एम हेल्दी, मान लीजिए आई एम हेल्दी, लेकिन एक हेल्दी इंसान किस तरीके से बिहेव करता है? वो कूदता है, वो एनर्जेटिक होता है, वो हंसता है, वो बोलता है, वो लोगों से बात करता है, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है. और जो इंसान अनहेल्दी होता है वो हमेशा कंप्लेन कर रहा होता है, हमेशा बिस्तर पे पड़ा होता है, वो हमेशा सुस्त होता है, मेरी लाइफ में कुछ नहीं है काइंड ऑफ, ठीक है. वो हमेशा हमेशा एकदम लो एनर्जी में होता है. मतलब आसपास के लोग लगता है यार हम क्यों आ गए यहाँ, राइट. ही विल ऑलवेज कंप्लेन अबाउट, बट द एनर्जेटिक हेल्दी गाय या हेल्दी पर्सन इज ऑलवेज लाइक वाइब्रेंट, है ना, वो हमेशा हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ दिखेगा आपको. द सेम वे अगर आप बहुत खुश हैं, हम लोग कहते हैं ना आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, बट हैप्पीनेस के लिए कभी मुस्कुराहट ही नहीं होती आपकी शक्ल पे. बिना हंसे लोगों को कैसे समझ में आएगा कि आप, देखो 444 दिखा मुझे, बिना हंसे लोगों को कैसे समझ में आएगा कि आप खुश हो, राइट. अगर आप मन ही मन में कह रहे हो आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आप बैठे हो कहीं पे चार लोगों के सामने एंड यू आर सेइंग आई एम हैप्पी,
व्हाट इज गोइंग टू हैपन, नथिंग. लेकिन वही चीज, अगर आपके मन में कुछ भी चल रहा हो, मान लीजिए अगर आप मन में कह रहे हो आई एम हैप्पी, और आप चेहरे को भी यू नो अपने साथ साथ वो हैप्पीनेस फील करा रहे हो, आप अपनी बॉडी को भी वो हैप्पीनेस फील करा रहे हो, एकदम रिलैक्स हो, बिंदास हो, चिल हो, कंफर्टेबल हो, तो ऑब्वियसली लोग लगेंगे यार आज तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी खुश कैसे हो. ट्राई दिस वंस, आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ लैक कर रहे हो. जब तक के इंप्लीमेंट नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे ना, तब तक के नहीं समझ में आता है. सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है भाई, करना भी पड़ता है ना. आज मैं आपको एक टास्क देती हूँ, आप अपने आप से कहो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, और आप बिल्कुल बॉडी में कोई हलचल मत लाओ, ठीक है, एकदम सुस्त जैसे आप बैठ दो, वैसे आप बैठ के बोलो क्या ये, बोलो कि आई एम हैप्पी है, और मन में बोलते रहो और सुस्त बैठे रहो ऐसे बिल्कुल. Nobody will realize or nobody or neither you will feel, neither जाने तो दूसरों का, लेकिन खुद भी आपको feeling नहीं आएंगी आई एम हैप्पी, यू विल नॉट फील हैप्पी. बट अगर आप अपने आप को खोल देते हो, बिंदास हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो, थोड़ा डांस वांस कर लो, मूवमेंट कर लो अपने हाथ पैर की, और फिर उसके बाद बोलो आई एम हैप्पी, देखो क्या फीलिंग आती है हैप्पीनेस की, पूरा शरीर वाइब्रेंट होने लगता है, राइट. पता है ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, वो किसकी है पता है आपको, एडोल्फ हिटलर की. एडोल्फ हिटलर की ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक है. वो हमेशा कहते थे कि अगर आप जो सोच रहे हो और उसी के साथ आप एक्शन ले रहे हो, उसी थॉट्स को अलाइन करके आप एक्शन ले रहे हो, तो क्या होता है, आप मैनिफेस्ट कर लेते हो अपनी लाइफ को. वो बंदा हमेशा अपने आप से कहता था आई एम सुपीरियर, और वो बातें भी वैसे सुपीरियोरिटी वाली करता था. वो कभी जूस के सामने कभी उसने अपने आप को गिराया नहीं, ठीक है. उसने ये देखा अपने लाइफ में कि जूस जो थे वो बहुत ज़्यादा यू नो अच्छे अच्छे पोस्ट पे थे, और जो भी उनकी कहानी होगी, जो भी उनका मतलब सोच परसेप्शन होगा उस समय का, उन्होंने देखा कि जूस हम लोगों से बेहतर है, लेकिन वो हमारी ही कंट्री में है और हमसे बेहतर कर रहे हैं. तो उन्होंने जर्मन्स के लिए अपने आप को सबसे पहले जो इन्फीरियर है उस जगह पे, मान लीजिए आप एक जगह पे हो जहाँ पे आप माइनॉरिटी में हो, और एक जो है जो माइनॉरिटी है वो पावर में है, और आप यहाँ मेजॉरिटी होके भी आप पावरलेस फील कर रहे हो. तो उन्होंने क्या किया, एडोल्फ हिटलर की कहानी में बता रही हूँ, उन्होंने क्या किया, मुझे एग्जैक्टली इतना पता नहीं है, लेकिन मुझे जो मैंने सुना है, जो पढ़ा है, उसके ऊपर मैं आप लोगों को बता रही हूँ. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल फील कराया, सबसे पहले अपने थॉट से. उनको एक चीज़ पता थी, मेरे पास और कोई चीज़ नहीं है, मेरे पास अपनी स्पीच है, मेरे वर्ड्स है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है. एक पावरफुल इंसान मुझे बताओ कैसे बिहेव करेगा, वो पावरफुल बातें करता है. ये नहीं कि पावरफुल है तो दारा सिंह बन के घूमेगा, ये नहीं करेगा वो, राइट, दिस ही विल नॉट डू. बट उसकी बातें इतनी ज़्यादा पावरफुल होंगी कि इंसान को लगेगा हाँ यार मुझे सुनना है, राइट. तो ऐसे पावरफुल लोग ऐसे ही होते हैं, उनकी बातें आप सुनते रह जाओ, वो दिल में यू नो जगह बना लेते हैं, वो हमेशा आपको सुपीरियर फील कराते क्योंकि वो अंदर से सुपीरियर फील कर रहे होते हैं. और वो जिस तरीके से अपनी स्पीच विद एग्रेशन वो इंसान बोलता था, उसकी बॉडी आप देखना, कभी आप एडोल्फ हिटलर या किसी भी इंसान की आप देखोगे, कोई इस तरीके से बात नहीं करेगा, वो हमेशा ऐसे बात करेगा, ऐसे यू नो, गेटिंग मी, आई होप यू आर गेटिंग मी. सो मेक योर बॉडी अलाइन विद योर थॉट्स. अगर आप खुश रहना चाहते हो, आप हमेशा कह रहे हो, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप खुश रह रहे हो, आप बोल रहे हो आई एम हैप्पी, तो behave as if you're happy. If you're saying I am healthy, behave as if you're healthy. You know, start eating healthy food, start having good superior. अगर आप अपने आप को powerful feel कराना चाहते हो, अपने minds में वो powerful thoughts लाओ, और वो powerful thoughts को अपने body में feel करो, and speak the way a powerful person should speak. That's it. इतना simple तो था. चलो, with this note, I'll take sign off. Bye bye.